हेलो सो कैसे आप सब यार आ गए हो फिर से एक और जबरदस्त वीडियो लेके। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लावा फ्लिप फोन के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ यार। इसके अनबॉक्सिंग पे और आपने इसके फर्स्ट मेरे के फर्स्ट इंप्रेशन पे बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया इस वीडियो पे। बहुत ज्यादा कमेंट आए, मतलब मेरी बियॉन्ड से भी ज्यादा, मतलब मेरी सोच से भी ज्यादा एज अ मेरे चैनल के हिसाब से। मैंने सोचा आज इसी के सारे डाउट क्लियर करे जाएं। तो सबसे पहला जो डाउट है वो है इसका नेटवर्क से रिलेटेड, कि ये कौन सा नेटवर्क सपोर्ट करता है। 4G 5G 5G ना 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 4G तक रखते हैं, 5G को ज्यादा ही हो जाएगा इसके बिहाफ पे। तो 4G 3G नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ 2G नेटवर्क तक सपोर्ट करता है। और किस टाइप की सिम सपोर्ट करता है यार, इसमें आपको फुल सिम लगेगी, ना नैनो ना सेमी, कोई भी कोई सिम नहीं लगेगी, सिर्फ फुल सिम लगेगी। विद जैक के साथ आपको इसमें सिम लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको वो भी पैनल खोल के भी दिखा देता हूँ कि कैसे सिम इसमें लगेगी, तो आपको बेटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिम इसमें लगेगी। अब बात करते हैं यार इसके एक और सेकंड मेन पॉइंट की, जो कि है इसका ये ग्रीन लाइट ऑफ कैसे करते हैं। बहुत लोगों ने पूछा यार, ग्रीन लाइट नोटिफिकेशन लाइट जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें ग्रीन पर्पल और रेड जलती है, तो इसको नोटिफिकेशन लाइट को कैसे ऑफ कर सकते हैं। मैंने देखा लोगों ने इतनी वीडियो बना रखी है बेकार की, और बताऊं नोटिफिकेशन लाइट ऑफ करने का कोई भी तरीका नहीं है। सच्चाई यही है कि नोटिफिकेशन लाइट ऑफ नहीं हो सकती। हाँ सिर्फ एक ट्रिक है, वो ये ट्रिक है कि आप इसके जो भी लाइक मैसेजेस हैं आप उसको सबको ओपन कर लो, या कोई कॉल मिस कॉल वगैरह आई है तो आप उस सबको ओपन कर लो तो नोटिफिकेशन लाइट ऑफ हो जाएगी। बाकी और कोई ट्रिक नहीं है, यही एक सिंपल सा इसमें ट्रिक है। अब बात करते हैं जो एक और इसका साइज क्या है डिस्प्ले का। डिस्प्ले का साइज की बात करता हूं तो 2.4 इंच की डिस्प्ले है, सिर्फ 2.4 इंच की छोटी से आप देखोगे ऊपर डिस्प्ले है। इस बजट के हिसाब से देखूं तो बड़ी डिस्प्ले भी बोल सकता हूँ, छोटी डिस्प्ले नहीं बोलूंगा। और अब बात करते हैं कि इसमें वाइब्रेशन मोड है कि नहीं है, और वाइब्रेशन मोड कैसे ऑन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ वाइब्रेशन मोड इसमें है और कैसे ऑन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन को ओपन करेंगे और अपने प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग के नीचे वाला एक ऑप्शन है प्रोफाइल का, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जनरल, साइलेंट और मीटिंग। तो आप जिस उसके हिसाब से अपना इसको वाइब्रेशन मोड पे, अगर आप मीटिंग पे रख देंगे तो वाइब्रेशन मोड पे वो चला जाएगा। और साथ साथ बात करते हैं इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब बोलता हूँ यस, इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, बट उसके लिए इस फोन के अंदर मेमोरी कार्ड होना मैंडेटरी है, उसके बिना कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी। क्योंकि जो इंटरनल फोन स्पेस है वो कुछ भी नहीं है, मतलब मुश्किल से आप 300 कॉन्टैक्ट भी नहीं सेव कर सकते हो, तो इसलिए आपको मेमोरी कार्ड होना मैंडेटरी है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से होती है। अगर होती है तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ साथ साथ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाना है। 7th ऑप्शन पे आप जाएंगे तो कॉल सेटिंग है, वहां पे कॉल सेटिंग पे आप, यहाँ पे कॉल डाइवर्ट वेटिंग, और उसके नीचे एडवांस सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ, इससे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें हॉटस्पॉट की, तो इसका आंसर है नहीं, इसमें हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो सकता, हॉटस्पॉट नहीं मिल सकता यार। स्मार्टफोन नहीं है, एक बजट फोन है, तो हॉटस्पॉट मतलब कुछ भी। चलो ठीक है, आपका क्वेश्चन था तो मैंने दूर करा फिलहाल। और बात करते हैं ब्लूटूथ डायलर की, जी नहीं, ब्लूटूथ डायलर भी नहीं मिल सकता, जैसे कि स्मार्टफोन नहीं है, एक बजट फोन है यार। 1500 रुपए का फोन आता है, 1500-1700 रुपए का फोन है, तो ये फीचर नहीं मिलेगा इसमें। और इसके साथ साथ एक बात करता हूँ, इसमें बहुत से लोगों का एक और क्वेश्चन था, जो कि बहुत बहुत सारे कमेंट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि अगर हम इसमें फ्लिप को हम यू ऑन करते हैं तो कॉल ऑटोमेटिक उठ जाएगा, यानी कि ओके हो जाएगा। इसका आंसर है नो, कॉल ऑटोमेटिक नहीं उठेगा। कॉल अगर आपको उठाना है तो फ्लिप ऑन करने के बाद आपको ओके का बटन दबाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो हमारा बटन होता है ग्रीन वाला, इसको प्रेस करना पड़ेगा, तभी कॉल रिसीव होगा, अदरवाइज कॉल रिसीव नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर आपको इसको कट करना है तो आप सिर्फ फ्लिप को नीचे यानी कि डाउन कर दें, बंद कर दें, तो आपका कॉल कट जाएगा, लेकिन उठाने के लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा। लास्ट बात करते हैं इसके टॉर्च की, जी नहीं, इसमें कोई भी टॉर्च नहीं है फोन में, इसकी यही नोटिफिकेशन लाइट है, इसे आप टॉर्च भी समझ लो, क्योंकि इतनी तेज है, इतनी तेज है, मतलब अगर आप इसको अंधेरे वाले रूम में रख दोगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन कहाँ पे पड़ा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस फोन से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर और भी कोई ज्यादा क्वेश्चन हो या
चाहते हो कि किस चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो मेरे को कमेंट में प्लीज जरूर बताओ, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा, प्लस उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस चीज से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। कीप सपोर्टिंग EYN।